बड़ी अपडेट ये है कि आज उत्तराखंड भाजपा के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होगी और कुछ देर बाद ये लिस्ट जारी हो सकती है। 60 से 65 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो गए हैं और कुछ सीटों को लेकर पुनर्विचार किया जा रहा है। डोईवाला, कोटद्वार, कर्णप्रयाग और द्वाराहाट सीट पर पेज जो है फंसा हुआ है। उत्तराखंड में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं, लेकिन 60 से 65 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो गए हैं। कुछ ही सीटों पर पेंच फंसा हुआ है और ये लिस्ट जारी हो जाएगी, आज आ जाएगी उत्तराखंड भाजपा के प्रत्याशियों की लिस्ट। 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। अजीत सिंगराठी हमारे ब्यूरो चीफ वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास और ज्यादा जानकारियां हैं इस लिस्ट के बारे में और फंसे हुए पेंच के बारे में, जिन सीटों पर पेंच फंसा हुआ है उस बारे में। अजीत, क्या जानकारी मिल रही है, विस्तार से बताएं। राजन, देखिए चूंकि ये सूची, इसकी प्रबल संभावना है कि आज सूची थोड़ी बहुत देर में इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और यहाँ कौन भारतीय जनता पार्टी के टिकट के तलबगार हैं, पार्टी के नेता, उनकी सबकी अपना इंतजार खत्म होने वाला है और जितने भी टिकटार्थी हैं जो दिल्ली और देहरादून के बीच दौड़ लगा रहे हैं उनकी प्रतीक्षा मुझे लगता है कि अभी थोड़ी बहुत देर में खत्म हो जाएगी। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे ही सूची जारी होगी तो एक इनपुट प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एबीपी गंगा के पास ये है कि 63 से 64 सीटें क्लियर हो गई हैं और उन पर सबके नाम फाइनल हो गए हैं, जिनमें मदन कौशिक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पुश्तैनी सीटों से लड़ेंगे, यानी मदन कौशिक हरिद्वार से लड़ेंगे। और जो पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री, उनके बारे में जो एक भ्रम था, कई बार उनके वक्तव्यों ने भी भ्रम की स्थिति पैदा की कि वो कहीं और भी जा सकते हैं, लेकिन उनका खटीमा से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। और इसके अलावा बहुत सारे नाम ऐसे हैं, कुछ जैसे डोईवाला से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक इच्छा व्यक्त की है चिट्ठी लिखकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, हालांकि उस चिट्ठी की तह में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि नेतृत्व ने उनसे चिट्ठी लिखवाई है या त्रिवेंद्र सिंह रावत को इशारा हो गया था कि उनको चुनाव नहीं लड़ना है, तो इस तरह की तमाम बातें हैं। तो इस समय जो डोईवाला, जहां से मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, और कोटद्वार जहां से पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत थे, इसके अलावा कर्णप्रयाग में चूंकि विधायक तमाम लगातार कई महीनों से तकरीबन एक साल से अस्वस्थ चल रहे हैं सुरेंद्र सिंह नेगी, और द्वाराहाट से जो महेश नेगी एक विधायक हैं जो पिछले दिनों विवादों में भी फंसे थे, तो ऐसी कुछ सीटें हैं जिन पर अभी निर्णय लिया जाना है। तो ये करीब आधा दर्जन सीटें हैं जिन पर करीब 2-3 दिन बाद निर्णय लिया जाएगा और आज मैक्सिमम सीटें यानी 63-64 के आसपास सीटें आज ये घोषित कर दी जाएगी। जी राजेंद्र जी, आप कह रहे हैं 60 से 65 सीटों के बीच में चीजें फाइनल हो चुकी हैं और कुछ ही जो है वो सीटें बाकी रह गई हैं, उसमें आपने डोईवाला सीट का नाम लिया और आपने त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी जिक्र किया अजीत, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात, ये जो लिस्ट आने वाली है इस बारे में सबसे बड़ी जानकारी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात आप अंडरलाइन कर रहे हैं और आपको जो बात पता चल रही है वो हमारे दर्शकों को जरूर पता है। देखिए राजेंद्र, एक तो ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि करीब आधा दर्जन सीटें हैं जिन पर अभी बाद में निर्णय लिए जाने की स्थिति बन रही है भारतीय जनता पार्टी के भीतर, और इसके अलावा करीब आधा दर्जन से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पर प्रत्याशियों के बदलने का निर्णय हो चुका है। अब चूंकि प्रत्याशी तो यहाँ भी बदले जाने हैं जो जिन आधा दर्जन सीटों की बाद में घोषणा होनी है, लेकिन इसके अलावा भी कई सीटों पर प्रत्याशियों के बदलने की एक चर्चा लगातार आ रही है, जैसे हरिद्वार से ही ज्वालापुर और झवरेड़ा की चर्चा लगातार आ रही है, और कर्णप्रयाग जैसे मैंने अभी आपको बताया ही है कि उनका भी वहाँ भी टिकट बदल सकता है, महेश नेगी वहाँ भी टिकट बदलने के आसार है, चंपावत कैलाश गहतोड़ी वहाँ भी टिकट बदलने के आसार हैं। तो इस बार मतलब बहुत बड़ी संख्या में तो नहीं, लेकिन जितनी बड़ी विधानसभा है, जितनी बड़ी यहाँ संख्या है, उसके हिसाब से काफ़ी एक बड़ी संख्या में यहाँ टिकट कटने वाले हैं। और मान लीजिए अगर यहाँ एक दर्जन भी नए चेहरे आ गए तो ये एक बड़ी बात होगी कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर टिकट काट दिए गए हैं, तो वही एक रास्ता कैसे चल रही। जी